हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी फूडी दोस्त रेनू सिंगल और आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल। जी हाँ, आपने सुना होगा यूपी में मेरठ की नान खटाई बहुत फेमस है। जी हाँ, हम भी मेरठ से ही बिलोंग करते हैं और आज हम आपको मेरठ की वो स्पेशल नान खटाई बनाना सिखाएंगे कि वो आप किस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम घी, 100 ग्राम चीनी, 25 ग्राम मैदा, 25 ग्राम सूजी और थोड़े से खरबूजे के बीज जो हमें ऊपर से डेकोरेट करने के लिए चाहिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। सबसे पहले हम इस बाउल में ये घी डालेंगे। इस घी को हमने फ्रिज में रख के थोड़ा टाइट कर लिया है। दोस्तों, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया है, एक्चुअली मैंने इस टाइम यहाँ 100 ग्राम में 10 ग्राम कम 90 ग्राम ये घी लिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो बेटर होगा कि जब सर्दियों में बनाएं तो 100 ग्राम के साथ बनाएं और जब गर्मियों में बना रहे हों तो 90 ग्राम के साथ बनाएं। 10 ग्राम थोड़ा कम कर लें, संभालने में ईजी हो जाएगा। अब इसमें हम अपना शुगर डालेंगे। और अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हल्के हल्के हमें कंटिन्यूस चला के बीट करना है और इसको लाइट क्रीमी फ्लफी बनाना है। इसी को ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में आप चलाते रहिए। इसको फ्लफी बनाने में, क्रीमी बनाने में लगभग हमारे 5 मिनट लग जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा अच्छे से बीट हो गया है, फ्लफ़ी हो गया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ इसका, कितना फ्लफ़ी हो चुका है ये। दोस्तों, आप इसी काम को अपने बीटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर है तो सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा इसको बीट करने में, और अगर बीटर नहीं है तो आप इस तरह से हाथ से कीजिए। क्योंकि मैंने इसलिए हाथ से करके दिखाया है, हमारे बहुत से व्यूअर्स ही कहते हैं हमारे पास बीटर नहीं है, हम कैसे करें, तो इसीलिए मैं इसको आज हाथ से करके दिखाया है आपको ये, ठीक है। और इसमें क्या करना था, घी हमेशा फ्रिज में रख के थोड़ा चिल्ड ही लेंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो रूम टेम्परेचर पर लीजिए, गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा कर लीजिए। और शुगर को हमने पीस लिया था। अब इसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। आगे क्या करना है, जो हमारा ये बेसन है, सूजी है और मैदा, इन तीनों चीजों को हमें इसके अंदर सीव करना है। एक बात और ध्यान देनी है, जब आप इसमें सूजी लें अपनी, तो सूजी या तो बहुत बारीक होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में घुमा दें, जिससे कि उसमें अगर थोड़ा दाना ज़्यादा मोटा है तो वो थोड़ा ग्राइंड हो जाए। ये देखिए, अब हमें इसको मिक्स करना है। बहुत ही लाइट हैंड से इसको मिक्स करना है, क्योंकि हमने जो क्रीम बनाई है अपनी, हमें उसको ख़त्म नहीं करना है, उसकी फ्लफ़ीनेस को ख़त्म नहीं करना है। ये देखिए,
बहुत हल्के हल्के आप इस तरह से इसको चला के ये मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, और अब इसको हल्का सा हमें फिंगर्स से करना होगा, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी लाइट फिंगर्स हमें इसमें चलानी है, बिल्कुल भी इस पर प्रेशर नहीं लगाना है, इसको गूंदना नहीं है। ये देखिए, जितना आप हल्की हल्की उंगलियों से इसको करेंगे, ये उतना ही आपका अंदर से फोका बनेगा, फ्लफी बनेगा, अच्छे क्रैक्स आएंगे। ये देखिए, ये हमारा डो रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसको 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि थोड़ा सा चिल्ड हो जाए और हम प्रॉपर इसकी शेप दे सकें। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैं फ्रिज से निकाल लिया है और ये थोड़ा सा टाइट भी हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको इसका क्या करना है। देखिए, थोड़ा सा बैटर लेना है इस तरह से और बहुत लाइट हैंड से, ज़्यादा नहीं उसको प्रेस करना है। ये देखिए, आप इसका साइज़ छोटा बड़ा जैसे आपका मन करे आप वैसे बनाइए, बट इसको प्रेस मत कीजिए, बहुत हल्के हाथ से सिर्फ शेप देनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसको शेप दे दी है। ये देखिए, इसको बिल्कुल छोटा बड़ा जैसा चाहें, ये मीडियम साइज़ है, परफेक्ट होता है किसी के सामने रखने में भी, खाने के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये देखिए, जस्ट इसको राउंड करना है, हल्का सा दबाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इस तरह की ट्रे ली है और इस ट्रे में मैंने ये फॉइल पेपर लगाया है। आपके पास जिस तरह की भी ट्रे है आप वो ट्रे ले सकते हैं, और इस तरह से थोड़े थोड़े गैप पे इनको लगाना है पूरी ट्रे में। तो मैं अपनी सारी नान खटाई बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इनको बेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपनी सारी नान खटाई बना ली है, और इनको बनाने के बाद इन पे ऊपर से हमने खरबूजे की गिरी थोड़ी थोड़ी लगा दी है। आप देख सकते हैं मैंने इनको ज़्यादा नहीं दबाया है, बहुत हल्का सा प्रेस किया है इनको लगाने के बाद, इनको ज़्यादा नहीं दबाना। और 15 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रखेंगे। मैंने 15 मिनट इसको पहले ही फ्रिज में रख लिया है। अब मेरा ओवन गर्म हो चुका है, 180 डिग्री पर इसको हम बेक करेंगे। इनको बेक करने में लगभग 16 मिनट से 20 मिनट लगती हैं। जब आप ओवन में रखें और 12 मिनट कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप चेक करना शुरू कर दीजिए कि आपकी नान खटाई ओवर बेक तो नहीं हो रही है, और एक दो बार बीच में चेक करते रहिए। लगभग इनको सुनहरा होने में लग ही जाती हैं 20 मिनट, डिपेंड करता है कितनी कम है या ज़्यादा क्वांटिटी में आप बेक कर रहे हैं। जितना आज मैंने मेज़रमेंट बताया है उसमें लगभग 15 से 16 पीस बनते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसको अभी बेक करने जा रही हूँ, और बेक करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारी नान खटाई बेक हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितने अच्छे क्रैक्स आए हैं इनके अंदर, और कितनी फ्लफी भी हो गई हैं। जो साइज़ हमने रखा था उससे डबल हो रही हैं। अब इनको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हल्का सा हम गार्निश करेंगे, जैसे कि कुछ पिस्ता डालेंगे इनके ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है, जो चीज़ें आँखों को पसंद आती हैं, खाने की कोई भी चीज़ हो, पहले वो आँखों को पसंद आती है तभी ज़ुबान तक जाती है। तो आप देखिए, हमने यहाँ पे कुछ पिस्ते से इसको गार्निश कर दिया है, ये और खूबसूरत लग रही है। सो दोस्तों, मेरठ की स्पेशल नान खटाई का मज़ा लीजिए घर बैठे ही, आपको उसके लिए मेरठ नहीं आना पड़ेगा। और हमने आज जो आपको टिप्स दिए हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि इसको बनाने के बाद हमने दोबारा फ्रिज में रखा, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि फ्रिज में रखने से सारा घी इसका जम जाता है, और जब घी जम जाता है उसके बाद हम नान खटाई को अपनी ओवन में डालते हैं। गरम ओवन में जाते ही जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू होता है, हमारी नान खटाइयाँ ऊपर को फूलने लगती हैं, बहुत अच्छी दरारें पड़ जाती हैं उनमें। सो इसीलिए हमने उसको दोबारा फ्रिज में रखा था। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं कि हम आपको कोई भी चीज़
कोई भी रेसिपी बहुत इजी मेथड से बता सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल बटन को प्रेस करें और उसके बाद हमारे जो भी वीडियोस आप देखते हैं उनको लाइक कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका और हमारा जो ये कनेक्शन बना है ये कंटिन्यू बना रहे, उसके लिए आपको बेल बटन तो प्रेस करनी ही पड़ेगी, तभी न्यू वीडियो का जो भी कोई नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा, तभी आप वीडियो देखेंगे और तभी आप अपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।